अगर आप ये गलती इस बार एनडीए फॉर्म भरते टाइम करते हो, आपका कभी भी एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो फाइनली एनडीए 2022 का वैकेंसी आ चुका है। आप सभी के दिमाग में बहुत सारा डाउट होगा कि एनडीए का जो वैकेंसी आया है, टोटल कितना वैकेंसी आया है, एक्चुअल में एज लिमिट मैक्सिमम और मिनिमम कितना मांगा है, सैलरी कितना कुछ बढ़ा है, सब कुछ डाउट, जो भी आपका डाउट है, इस बार मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से लास्ट तक देखोगे, यूपीएससी एनडीए का जो सेकंड फेज 2022 के रिलेटेड जो कुछ भी डाउट है, सब कुछ क्लियर कर लूँगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि यूपीएससी एनडीए का जो सेकंड फेज है 2022 का वैकेंसी आ चुका है। उसके रिलेटेड जितना भी डाउट है, मैं ए टू जेड क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनने का, क्योंकि आप सभी को पता होगा, डिफेंस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, अगर आप फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती करते हो, भले ही आप रिटर्न एग्जाम में टॉप कर लो, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी आपका सिलेक्शन कट जाएगा। इसलिए जो भी बता रहा हूँ ध्यान से सुनो और जो आपका डाउट है नीचे मुझे कमेंट करना। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है कि इस बार जो एनडीए 2 का वैकेंसी आया है, टोटल कितना पोस्ट आया है और हर एक कैटेगरी में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवल एकेडमी में कितना वैकेंसी है और आपका सिलेक्शन होना कितना परसेंट चांसेस है। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कि एनडीए का टोटल वैकेंसी इस बार आया है 400 वैकेंसी, जिसमें आर्मी का मैक्सिमम वैकेंसी है। ओके, आर्मी का 208, नेवी का 42, एयरफोर्स का 110, नेवल एकेडमी का 30। ओके, अभी आपको डाउट आ रहा होगा, सर मैं किस में फॉर्म भरूँ, आर्मी का प्रेफरेंस पहले दूँ या फिर नेवी का या फिर एयरफोर्स का? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब भी आप फॉर्म भरते जाओ तो फर्स्ट प्रेफरेंस जिसका भी ज़्यादा वैकेंसी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आर्मी का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आपका जितना वैकेंसी ज़्यादा है उसी से प्रायोरिटीज वाइज आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फर्स्ट आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा आर्मी, सेकंड देना पड़ेगा एयरफोर्स जिसमें 110 वैकेंसी है, थर्ड देना पड़ेगा नेवी, फोर्थ होगा नेवल एकेडमी। ओके, तभी आपका सिलेक्शन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर इसका अप्लाई डेट कब है, तो प्लीज़ नोट डाउन कर देना, जो यूपीएससी एनडीए का सेकंड फेज है उसका स्टार्ट होता है 18 मई से, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 18 मई से लेकर 7 जून तक, 7 जून रात 12 बजे तक एनडीए में जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए चांस मिलेगा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि प्लीज़ लास्ट तक, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास तो बहुत टाइम है मैं वेट करूँगा, लास्ट तक मतलब 7 जून में मैं फॉर्म भरूँगा, तो ये गलती मत करना, मैंने जो गलती किया था। आप प्लीज़ अगर 18 मई से स्टार्ट हो गया है, आपको मैक्सिमम 5 दिन के अंदर फॉर्म भर देना है, क्योंकि जब आप स्पीड फॉर्म भरोगे तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा भी चांसेस है। क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जब आप लास्ट में भरोगे तो सर्वर डाउन होगा, बहुत एसएससी हो या फिर रेलवे हो, किसी भी कैटेगरी में अगर आप लास्ट में डालोगे तो सर्वर डाउन होगा, आपका जितने भी मेहनत किया हो सब कुछ पानी में मिल जाएगा। अगर आप जल्द में भरते हो, मतलब 2 या 3 या 5 दिन के अंदर आपका बहुत जल्द भी साइट में आपका रजिस्टर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। जो मैंने गलती किया था, मैं नहीं चाहता हूँ आप भी वो सेम गलती करें। ओके, थर्ड है आपका एज लिमिट कितना मांगा है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि सर एज लिमिट में एक्चुअल में क्या मांगा है। मैंने एज लिमिट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेने के बाद, सारे वीडियो का लिंक कि एनडीए के जाने से पहले आपका आई स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, टीथ स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, आपका बॉडी फिगर कितना होना चाहिए, ओके, और आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, मैंने सब कुछ डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगा, जाकर देख लेना। ओके, अब बताता हूँ एक्चुअल में एज लिमिट। एनडीए में जो लास्ट मतलब मैक्सिमम एज लिमिट यूजुअली मांगता है वो है 19 ईयर 6 मंथ या फिर 5 मंथ, लेकिन इस साल जो मांगा है आपका डेट ऑफ बर्थ, ओके, 2 जनवरी 2004 से आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच अगर आप पैदा हुए हो
तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 2 जनवरी 2004 से पहले पैदा हुआ हो या फिर 1 जनवरी 2007 से एक दिन भी ज़्यादा पैदा हुआ हो, आप फॉर्म भर सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ कट बट सच बता रहा हूँ, ये जो भी ऑफिशियल डाटा दिया है, अगर आप एक दिन एक सेकंड से भी आप नीचे या फिर गड़बड़ होते हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है गूगल कैलकुलेटर, नहीं तो एज कैलकुलेटर, उसमें आपको डालना है टू और फ्रॉम, मतलब आपको टू क्या डालना है, टू में आपका एक्चुअल एज लिमिट, ओके, सेकंड फ्रॉम में आपका जो 18 मई से, ओके, 18 मई 2022 में आपका कितना एज लिमिट बना है, वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा कि आप फिट हो या फिर नहीं, ओके। अगर कुछ भी एज लिमिट के रिलेटेड डाउट हो नीचे कमेंट करना, नहीं तो मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ जाके देख सकते हो, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। सेकंड आता है कि इस बार क्या जो यूपीएससी एनडीए में एससी एसटी ओबीसी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं, तो फ्रेंड्स बताऊंगा डेफिनेटली मिलेगा, इस बार भी मिलेगा। कितना मिलेगा ध्यान से सुनो, एग्जाम जो डेट है ये नोट डाउन कर लो कि जो एग्जाम डेट है 4 सितंबर है 2022, 4 सितंबर को यूपीएससी एनडीए का एग्जाम है, ओके। सेकंड है फीस, जब आप फॉर्म भरोगे आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा, तो जनरल में ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम बिलोंग्स करते हो आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, अगर आप एससी एसटी में हो आपको 0 रुपीज़ कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, ये की पॉइंट नोट डाउन कर लो, ओके। जो लास्ट पॉइंट है कि यूपीएससी एनडीए का सैलरी क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनडीए का सैलरी इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, ओके। इस बार जो कि पहले था 56,100 रुपीज़, इस बार बढ़ के 60,200 रुपीज़ हो चुका है। अगर आपके दिमाग में इतना सा डाउट है कि एनडीए का सैलरी क्या है और सिलेबस में कितना कुछ चेंजेस हुआ है, मैंने डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ सब कुछ, इस वीडियो को देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वन बाई वन देख लेना। अगर आप सीरियसली एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और इस बार एट एनी कंडीशन एनडीए में एक सीट पाना चाहते हो, क्योंकि एनडीए में सिलेक्शन पाना इतना आसान नहीं है, जितना सीडीएस टॉप लेवल का है उसी तरह एनडीए 12th लेवल के बाद टॉप लेवल का है। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। रहा अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि इसी तरह का ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए लाता रहा। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।